सो आपको पता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन एटम जो है ना, इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो कहते हैं कि अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर 195.2 केल्विन एंड 238 केल्विन रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, आप सबको पता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था, है ना, पहले कर चुके हैं, ठीक है। एज इन द केस ऑफ वॉटर एंड दैट अकाउंट फॉर द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास, है ना। तो मॉलिकुलर मास के बेसिस पर जो हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो बढ़ क्यों जाता है, उसका जो रीजन है वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये हमें यहाँ पे बताया गया है और हम काफी पहले से ये जानते भी हैं, ये वाला पॉइंट, है ना। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट्स एक्वा सोल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ओएच आयन। बिल्कुल आपको पता है कि अमोनिया को जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा, है, अमोनिया का सोल्यूशन जो वाटर में होता है वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज NH4OH, है ना, NH4OH होता है। तो ये NH4OH ही बन रहा है, अमोनिया वीकली बेसिक सोल्यूशन बनाता है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम याद होगा तो वहां पे Kb दिया जाता था आपको, 1.8 × 10⁻⁵, ये दिया जाता था। तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे अमोनिया एज ए वीक बेस, तो वीक बेस होगा तो क्या देगा, OH आयन देगा। तो अमोनिया जैसे FeCl3 सॉल्यूशन में पास करोगे तो वो OH आयन दे देगा और ये बना देगा, ब्राउन PPT बना देता है, ये बनता है एक्चुअली, FeOH3 बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा, है ना। और इसका क्या, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। और ये क्या होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन PPT होता है ना। ये सब टेस्ट है। जिंक सल्फेट में अगर ये करोगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, व्हाइट PPT बन जाता है ना, इस तरीके से। और वैसे ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, अगर आप इनके कलर अभी याद करना चाहो तो आप अभी याद करो, निकल हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड पिंक होता है, ये ग्रीन होते हैं। तो अगर आप इनके कलर अभी याद करना चाहो तो अभी याद कर लो, वरना जब हम आपको सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाएंगे तो ये वहां पढ़ाया जाएगा। अभी सॉल्ट एनालिसिस में ये दोबारा आएगा, सॉल्ट एनालिसिस में दोबारा आएगा। कब आएगा, जब हम आपको कैटायंस पढ़ाएंगे तो वहां पे ये दोबारा आ जाएगा, है ना, कैटायंस वाले पार्ट पे ये दोबारा आ जाएगा। अगर आप जस्ट अभी कलर याद कर लीजिए, निकल हाइड्रोक्साइड ग्रीन होता है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन होता है, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड पिंक होता है, एक इंफॉर्मेशन है जो हम लोग इसमें सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन होती है कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इनसॉल्युबल इन नेचर। ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये है ना, ये इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं वो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते ही नहीं है। तो निकल हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि इनके हाइड्रोक्साइड अगर बने तो कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो प्रेसिपिटेट के कलर आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये चीजें थोड़ा ज्यादा डिटेल में, और ज्यादा डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब आपको कैटायंस वगैरह बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे अमोनिया के ये वाली प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं थी, ये सॉल्ट एनालिसिस में ही होता है और ये आएगा भी नहीं, है ना, ये सब जो है ना अभी आना भी नहीं चाहिए एग्जाम में, अभी नहीं आएगा, है ना, अभी नहीं है, अभी ये वाला पार्ट जो है ना वो कैटायन का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, ये हो गया। अभी 8:20 हो रहा है, 8:30 पे 10-1 मिनट के बाद हम लोग फिर से आपके डाउट्स ले लेंगे, है ना, 10-15 मिनट के स्लॉट में आपके डाउट ले लिया करूंगा, अभी ज्यादा कुछ नहीं है, देख लो, है ना, ठीक है। कोई डाउट हो तो अभी मार्क कर लो, फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। पिछले क्लास में अपना डिस्कशन हुआ था कि अमोनिया इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिटिंग रिएजेंट, है ना, अमोनिया इज अ वेरी गुड कॉम्प्लेक्सिटिंग रिएजेंट, अमोनिया जो है ना वो काफी अच्छा कॉम्प्लेक्सिटिंग रिएजेंट है ना, मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है।
तो आपको पता है ये वाला आपने मैंने रिएक्शन किया है क्लास में, देखो ये वाला, ये हुआ था नहीं हुआ था? मैंने कब पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा रहा था कि अमोनिया का और PH3 का मैं रिड्यूसिंग पावर सिखा रहा था, तो मैंने कहा था कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अमोनिया पास करोगे तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उसी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर PH3 पास करोगे, ठीक है, उसी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर आप क्या करोगे, अगर उसी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर आप ये करोगे क्या PH3 पास करोगे तो वो रिड्यूस कर देगा, समझे? तो ये पढ़ा हुआ है, ये वाला भी डिस्कशन हो चुका है ना। AgCl का जो प्रेसिपिटेट था वो किसमें डिजोल्व होता है, वो अमोनिया में डिजोल्व होता है कॉम्प्लेक्स बनाकर, ये वाला पार्ट भी डिस्कस हुआ है क्लास में। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, नहीं हुआ? बिल्कुल कई बार डिस्कस हुआ है। AgCl का प्रेसिपिटेट है ना, आपको याद है AgCl किसमें डिजोल्व होता है? AgCl एक्वस अमोनिया में डिजोल्व हो जाता है। AgBr को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया चाहिए होता है, और AgI को क्या होता है, AgI तो कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में डिजोल्व भी नहीं होता है, ठीक है, उस तरीके से। नौ बात करते हैं कैडमियम का। कैडमियम भी क्या होता है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना। जिंक कैडमियम के मोस्टली कॉम्प्लेक्स जिंक 2+ के और कैडमियम 2+ के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मोस्टली कलरलेस ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3D10 होता है और यहाँ पे 4D10 होता है, तो कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होता है, कम्प्लीटली फिल्ड है ना। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे वहां पे, जब हम आपको सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा रहे होंगे कैटायंस का, तो वहाँ पे कलर वगैरह जो है ना कॉम्प्लेक्सेस के थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें और बताऊंगा आपको कि जिंक 2+ आयन और कैडमियम 2+ आयन के जो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट ऑफ द जिंक 2+ आयन कॉम्प्लेक्सेस या मोस्ट ऑफ द कैडमियम 2+ आयन कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस, एक्सप्लेन। तो उसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो यही है कि इनकी कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इनके पास, तो अगर कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल जब होता था तो डी ट्रांजिशन नहीं होता था, है ना। तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स का कलर नहीं आएगा, तो इस तरीके से जो है ना ये रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो अपन आज डिस्कस की है, सभी लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं इसे फटाफट डिस्कस कर दे रहा हूँ, और एक बार यहाँ पे हम लोग डिस्कशन में आ जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इसमें क्या होता है, देखो अभी आपने मेटलर्जी भी पढ़ा था, अभी हमने बेरियम अजाइड का भी पढ़ा था, इन सबका पढ़ा था, उन सबको मैं आपको डिस्कशन में लाता हूँ सारी चीजें दोबारा से। ओके, तो अमोनियम सॉल्ट का जो डिकम्पोजिशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है, अमोनियम सॉल्ट का जो डिकम्पोजिशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है ना। एक बार आप लैंग्वेज पढ़ो एक मिनट, तो एक ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं, है ना, जो अमोनियम सॉल्ट होंगे उनका खास बात यह है कि पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है इसमें, कि अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोजेस क्वाइट रीडली ऑन हीटिंग, इफ द एनायन इज नॉट पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग देन अमोनिया इज इवॉल्व्ड, है ना। अगर अमोनियम सॉल्ट का जो एनायन है, जैसे Cl- आयन है, कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, अगर ये एनायन है, मतलब जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एनायन नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोज करके अमोनिया ही देता है, जैसे NH4Cl डिकम्पोज करने पे NH3 और HCl देगा, और अमोनियम सल्फेट डिकम्पोज करके अमोनिया और H2SO4 देगा। जबकि इफ एनायन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग अगर होगा, जैसे NO2- आयन है, NO3- आयन है, CO42- आयन है, ये है, देन अमोनियम इज ऑक्सी अमोनियम आयन इज ऑक्सीडाइज टू N2 और N2O, जैसे कि NH4NO2 का डिकम्पोजिशन NH4NO3 का डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, है ना, ये था अपना पेज। चलिए,
नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखो और वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये पढ़ाया जाता है जैसे मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ। अब जैसे मैं मान लो कैटायन पढ़ा था, तो कैटायन में पहला आयन कौन सा था, अमोनियम आयन था फर्स्ट जो जीरो ग्रुप में होता है। तो कैटायन अभी हुए नहीं सॉल्ट एनालिसिस में, वरना हम लोग वहां पर मैं मेरा सीक्वेंस ऐसा होता है कि वहां पे मैं अमोनियम, जैसे अमोनियम आयन पढ़ा था कैटायन में, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट पढ़ा देता अमोनियम सॉल्ट का। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पढ़िए हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, है ना, मेरे ऑर्डर में था लेकिन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, है ना, केस वन व्हेन एनायन ऑफ सॉल्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर सॉल्ट का जो एनायन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे NO3 माइनस आयन, आपको पता है ये किसका होगा, ये HNO3 का होगा और HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। NO2 माइनस आयन ये कहाँ से आएगा, ये आएगा HNO2 से, आपको पता है HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव है ना, आपको पता है ये किसका है, K2Cr2O7 का होता है, ठीक है। तो K2Cr2O7 जो होगा, K2Cr2O7 की अगर बात करें तो ये भी एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान देना, पिछले क्लास में जैसे हमने ये किया था, पिछले क्लास में हमने जैसे हमने सोडियम अजाइड का डिकम्पोजिशन किया था, तो सोडियम अजाइड के डिकम्पोजिशन में क्या बना था, सोडियम बना था और नाइट्रोजन बना था, 3/2 नाइट्रोजन कर लीजिए, ये बना था, है ना। या इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख लीजिए, 2NaN3 गिविंग यू 2Na+ 2Na+ N2 3N2, ये हुआ था। तो यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो अजाइड आयन था, ये वाला जो आयन था अजाइड आयन था N3- आयन क्या था, इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेरियम अजाइड था और जो सोडियम अजाइड है, समझना ध्यान से, बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड ये दोनों अपना रिड्यूसिंग एजेंट खुद कैरी कर रहे हैं। आई रिपीट, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड अपना रिड्यूसिंग एजेंट खुद कैरी कर रहे हैं, उनके पास ही उनका दुश्मन है ना, उनका रिड्यूसिंग एजेंट है, उन्हें बाहर से नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप हीट करोगे वो क्या करेगा, वो इसको रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा, मेटल को रिड्यूस कर देगा। Na+ आयन को कहां भेजा, जीरो में भेजा, खुद कहां चला गया, खुद ऑक्सीडाइज होके जीरो में आ गया। कैसे निकालोगे, N3- आयन है तो कैसे निकालोगे, एक N का ऑक्सीडेशन नंबर X मानना, तो तीन का कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा, it should be equal to -1, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3, ये हो जाएगा। तो नाइट्रोजन -1/3 से कहां पहुंच जाएगा, जीरो में पहुंच जाएगा। तो जब सब्सटेंस अपना रिड्यूसिंग एजेंट अपने साथ कैरी करता है तो वो क्या होता है, हीट करने पे रिड्यूस हो जाता है ना, ठीक है। और ऐसा यहाँ पर हुआ सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड के, इसमें भी यही होगा, बेरियम अजाइड के केस में भी यही होगा। वैसे ही आपने मेटलर्जी में भी पढ़ा था, मेटलर्जी में क्या था, मेटलर्जी में एक छोटा सा टर्म आया था, उस टर्म का नाम था सेल्फ प्रोडक्शन, ये पढ़ा था। तो सेल्फ प्रोडक्शन जो था वो किसका था, वो CuS का था, HgS का था, PbS का था, है ना। कहते हैं कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनका सेल्फ प्रोडक्शन किया जा सकता है। पता है सेल्फ प्रोडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, यही होता है Sn2-ion, ये आइटम आ चुका है कि सेल्फ प्रोडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। सेल्फ प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि हमें, सेल्फ प्रोडक्शन का ये मतलब हुआ कि हमें बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाना है। इसका मतलब है कि मेटल सल्फाइड ने अपना खुद से कोई ना कोई अरेंजमेंट कर रखा है जिससे कि रिड्यूसिंग क्या होगा, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो नहीं, जरा बाहर की जरूरत नहीं है। तो जो सल्फाइड ओर होते हैं उनका सेल्फ प्रोडक्शन इसीलिए कराया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सल्फाइड होता है वो क्या होगा, वो ऑलरेडी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर पे जो -2 चार्ज होता है वही क्या बन जाता है, उसी की वजह से ये क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं
कि अगर अमोनियम कंपाउंड के पास जो एनायन है वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, एनायन अगर ऑक्सीडाइजिंग होगा तो वो अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज वो अपने पास ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखे हुए है। अगर सब्सटेंस अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट रखे होता है तो वो उसको वो खुद ही रिड्यूस होता है, और अगर सब्सटेंस अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखे होगा तो वो खुद ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ रिएक्शन में जो काम करा चुका हूँ मैं अपनी क्लास में, ये रिएक्शन लिख चुका हूँ कहीं ना कहीं CR2O7 को, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N2 प्लस CR2O3 प्लस 4H2O, ये बन जाएगा। एक और रिएक्शन हमने लिखी थी NH4 NO2 दैट बिकम N2 प्लस, क्यों मैं भी आवाज घर घर आके ये गाता हूँ, 2H2O लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद NH4 हम वही हम सोचे थे इसी को बोले कि बोले नहीं N2O प्लस 2H2O लिक्विड हो जाएगा। चलो काम को बोली काम को बोले थे सुनना भी हम लोग, माइक बंद करो यार, किसका माइक ओपन है, इधर तो ठीक है। ठीक है चलो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, और है ना, इसके लिए एक मिनट मुझे और दे दो, मैं अभी आपके डाउट लेता हूँ उसके बाद, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ हो गया, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। ये केस वन आपने पढ़ लिया है, अब मैं आपको केस सेकंड लिख दूँ और उसके बाद मैं आपके डाउट ले लूंगा, है ना। केस सेकंड लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दे रहा हूँ, ये भी 2-3 रिएक्शन और लिखूंगा। केस सेकंड में क्या है कि when anion of ammonium salt, when anion of ammonium salt is not oxidizing agent, ठीक है, when anion of जो है ना, when anion of ammonium salt is not oxidizing agent, ना oxidizing agent नहीं है, जैसे मान लो Cl- ion हो गया, sulfate ion हो गया, carbonate ion हो गया, ठीक है, इस तरीके से है, फॉस्फेट आयन हो गया, ये सब जो है ना इस तरीके से होंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर अमोनिया बनती है ना, देन अमोनिया इज फॉर्म। तो मैं लिख देता हूँ कुछ आपको, जैसे NH4Cl है, तो NH4Cl होगा तो क्या बना के देगा, तो बना के देगा अमोनिया प्लस प्लस HCl, अमोनिया प्लस HCl बना के देगा, ठीक है। और जैसे NH4 होल्ड ट्वाइस है, SO4 है, ये क्या बना के देगा, ये बना के देगा अमोनिया प्लस H2SO4। जैसे अमोनियम कार्बोनेट है, NH4 होल्ड ट्वाइस CO3, ये क्या बना के देगा, ये बना, यहाँ पे अमोनिया कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए क्या, 2 आएगा अमोनिया, 6, 2, 8, हाँ ठीक है, 2 अमोनिया प्लस H2O प्लस सीओ, है ना। चलो अब आपके लेते हैं डाउट, है ना, कई लोगों ने हैंड रेज भी किए हैं, जिसको ये नोट करना है वो नोट कर ले, है ना, और जिसका ऊपर का सेक्शन अगर नोट करना है वो नोट कर ले। चलिए कुछ लोग चैट में लिखना चाहे चैट में लिख दे, जिनको डाउट है वो डाउट पूछ लें, है ना। चलो देखो भाई, है ना, हैंड रेज कर दिया, कई सारे लोगों ने हैंड रेज किया है अभी। हाँ भाई जैन साहब बोलो क्या हुआ, अमन Who is Japlin? सर मैं उसके अंदर पूछ रहा था, आपने फर्स्ट केस बताया था ना, तो उसके अंदर आपने सोडियम एजाइड को रिड्यूस किया, सर वो चीज समझ में आई, सोडियम एजाइड को रिड्यूस किया था ना सर सोडियम के अंदर, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एजाइड आयन का जो SRP वैल्यू होता है वो, ये नोट कर लो, मैं स्क्रीन पे इस समय जो है नोट कर लो, पहले सुनते भी जाओ और नोट भी करते जाओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा मूव कराऊंगा इसको, क्योंकि अगर स्क्रीन ऐसे छोड़ दूंगा स्टैंडिंग तो अपने आप चली जाती है, फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अजाइड आयन का SRP वैल्यू लिथियम से भी नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव होता है, तो वो लिथियम आयन से भी क्या होता है, वो लिथियम आयन से भी अच्छा क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। हाँ तो अगर मालूम है ना, तो कोई सब्सटेंस अपना रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अपने साथ कैरी कर रहा है तो वो खुद ही रिड्यूस या खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये है मतलब कहने का। और ऐसा ही आपको, हाँ बोलो
सर जब इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, जैसे सोडियम अजाइड जब बन रहा होगा तभी रिड्यूस नहीं हो गया, स्टेबल है क्या सर सोडियम अजाइड? सोडियम अजाइड वगैरह को, हाँ सोडियम अजाइड वैसे तो स्टेबल ही है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर आप हीट वगैरह जब करोगे ना तो फिर वो इस तरीके से काम करेगा, जब आप उसे एनर्जी दोगे तो वो काम करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और किसी का, एक मिनट रुको चैट भी देख लेते हैं क्या हुआ। ऑडियोबल? हाँ ऑडियोबल है जैन, बोलो। सर वही बोल रहा था सर, आप न्यू पढ़ा सर कुछ समझ नहीं आया सर, आप बोर्ड पे पढ़ाओ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता। अच्छा थैंक यू, और कोई बात? नो बस ठीक है ना, और बात कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो और बोलो, और किसी को प्रॉब्लम है? हाँ और कोई डाउट है किसी का? कार के एयर बैग में सोडियम अजाइड क्यों लिया जाता है? सोडियम अजाइड इसलिए लिया जाता है कि बहुत आसानी से हीट करने पर डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस देगा, और नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है हाई टेम्परेचर कंडीशंस पर, नाइट्रोजन ना तो बर्न करती है ना ही कम्बस्टेबल होती है, ना ही कम्बशन को सपोर्ट करती है ना, ना ही कम्बशन को सपोर्ट करती है। इसलिए क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस जो होगा वो क्या होगा, वो एयर उसमें अंदर आ जाएगा, एयर बैग के अंदर आ जाएगा, और जो एक्सीडेंटल जिसको हो रहा है उसको क्या होगा, रोक उसको बचा लेगा, ये तरीका होता है, इसलिए एयर बैग के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, और बताइए ये वाला डाउट हो गया। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा होता है प्लीज क्लियर कर दीजिए, ये कौन है भाई इंडियन? हाँ ऋषभ, बाकी लोग बताना आरकेएस क्या डाउट है, ऋषभ जल्दी बोलो। हेलो, हाँ बोलो सर। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो NO3- है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ इसलिए वो N2O बना लिया क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस। हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है। वो सब्सटेंस जो है ना वो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद कैरी कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सब्सटेंस जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे ये, तो वो क्या कर रहा है, वो नाइट्रोजन के -3 को कहाँ ले जा रहा है, जीरो में ले जा रहा है, -3 को कहाँ ले जा रहा है, जीरो में ले जा रहा है, -3 को कहाँ ले जा रहा है, +1 में ले जा रहा है। Yes. तो अमोनियम आयन ऑक्सीडाइज कब होगा, जब अमोनियम कंपाउंड के पास क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट कई जगह लग रहा है, ये कंसेप्ट आपका सेल प्रोडक्शन में लग रहा है, ये कंसेप्ट आपका अजाइड आयन इसमें लग रहा है, तो ये सब मैंने सब एक साथ बताए कि सब जगह इस तरीके का कंसेप्ट लग रहा है। और सर ये सेकेंड नंबर मैकेनिज्म कैसे हो रहा है सर? ये आप चाहो तो कैसे बनाते थे, आपको याद नहीं है NH3+HCl मिलके क्या बनाता था, NH4Cl का व्हाइट फ्यूम बनता था, नहीं बनता था? यस सर ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, आप देखो ध्यान से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आएगा ही नहीं। यस सर, तो यहाँ पे -3 है, ये -3 है, ये -3 है, ये -3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं आ रहा है। ओके है ना, तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ पे आपका कुछ और रिएक्शंस है मेरे पास, आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, और वो है जैसे इसमें कंप्लीट करो 2NH4Cl4 जो होगा वो क्या होगा, N2+Cl2+2O2+4H2O। माइक बंद करो सब लोग। एक और रिएक्शन है 2NH4IO3N2+I2+O2। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये कंप्लीट कर लो आप लोग, है ना, ये सारा हो गया है ना, ये कंप्लीट कर लिया। तन किसी और का कोई डाउट है एक मिनट में बता दो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। स्टॉल अप करना है, ठीक है, यहां तक हो गया। देखो ठीक है, हो जाएगा।
हाँ सोडियम अजाइन को सेल प्रोडक्शन में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। और बताओ हो गया डन, ये नोट हो गया नीचे वाला, सब नोट हो गया देख लो। हाँ मैं भेज दूंगा पीडीएफ भी, चिंता मत करो। यस कैपिटल आर, क्या डाउट है बोलो, बोलो क्या डाउट है। केस वन ये लिखा हुआ है, केस वन का लैंग्वेज ये लिखा हुआ है, हाँ अजाइड वाला रिएक्शन आप सेल प्रोडक्शन मान सकते हैं। नोट हो गया, एयरबैग्स वाला एग्जाम्पल वही है कि सोडियम ज्यादा, ठीक है, जो सोडियम अजाइड है वो क्या करेगा, सोडियम अजाइड वगैरह जो है ना डिकम्पोज करके क्या देगा, नाइट्रोजन गैस देगा, और नाइट्रोजन गैस जो है ना वो क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस जो है ना वो एयरबैग्स को फिल करेगा, और नाइट्रोजन गैस क्योंकि इनर्ट है और जो है ना वो बर्न नहीं करती है, इसलिए वो क्या करेगा, उसके थ्रू वो पैसेंजर को सेव करेंगे, ठीक है, ये तरीका है। ओके डन, चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ एक टेस्ट है, अमोनिया का एक टेस्ट होता है ना, हाँ सोडियम अजाइड जो है ना, नहीं ऐसा भी नहीं है, आसान नहीं है, टेम्परेचर हीट हीट जो है ना लेगा, जर्क से जो है ना डिकम्पोजिशन टेम्परेचर डेवलप होगा, उससे जो है ना वो डेवलप करता है अपने आप को ना, हीट का वो जो है ना डिकम्पोज करता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें यहां तक डाउट ले लिया, अब 15 मिनट के बाद फिर डाउट लूंगा। तो यहाँ पर ये टेस्ट ऑफ अमोनिया है, वैसे तो हम लोग उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन नेस्लर रिएजेंट टेस्ट कहलाता है, ये है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ पी ब्लॉक में नहीं पढ़ाया जाता है ना अमोनिया सोल्यूशन को, अगर हम ये नेस्लर रिएजेंट होता है, मैंने कहीं बताया आप लोगों को है ना, K2HGI4 का जो बेसिक सोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, है ना, ये है नेस्लर रिएजेंट, ये लिखा हुआ है नेस्लर रिएजेंट, ये लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, पढ़ो, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HGI4, है ना, तो K2HGI4 का जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नेस्लर रिएजेंट, सब फेमस रिएजेंट, और उसके साथ क्या बनता है, ब्राउन पीपीटी बनता है, ये ब्राउन पीपीटी बनता है, तो ये फेमस तो टेस्ट है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना आपको इस तरीके से जस्ट एक याद रख लीजिए, कभी ना कभी याद करना तो आप अभी चाहो तभी याद कर लो। रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन विद हैलोजन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले क्लास में, है ना, ये मैं पढ़ा दिया था, जब अमोनिया एक्सेस में होगा ये रिएक्शन जो है ना अपने क्लास में हुए हैं, ठीक है, ये रिएक्शन अपने क्लास में हो गया था, ये वाला रिएक्शन जो को मैंने करवा दिया था, ये वाला रिएक्शन था ना, ठीक है, ये करवा दिया था, जब अमोनिया एक्सेस में है और जब क्लोरीन एक्सेस में है, ये दोनों रिएक्शन अपनी क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, तो कोई समस्या है नहीं, कंसेप्ट बता चुका हूं मैं, है ना तरीके से, और यस ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें अमोनिया के कुछ यूजेस हैं, आप उनको देख लो कि अमोनिया क्या यूजेस हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक और था, ये डिकम्पोजिशन तो यहाँ लिखे हुए हैं, अमोनियम आयन का एक डिकम्पोजिशन था जब वो एक्सप्लोड करता है ना, वो वाला भी एक रिएक्शन था, वो लिख देता हूँ मैं, अमोनियम जो अमोनियम कंपाउंड है जब वो एक्सप्लोड करते हैं, जब एक्सप्लोजन होता है ना,
ठीक है, तो जो अमोनियम नाइट्रेट होगा, अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली N2 में और 2N2 गैस में, 3O2 गैस में और 4H2O छह था ना अपने पास ऑक्सीजन, छह इस तरीके से NH4N2 जो होगा, एक मिनट रुकना, मतलब NH4NO3 जो है ना वो क्या करेगा, वो करेगा N2 बना लेगा और चार ऑक्सीजन थे अपने पास, 2H2O बना दो, दो ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गए, एक ऑक्सीजन और बचा तो हाफ O2 बना दो ऐसे। अब आप 2 मल्टीप्लाई इसको हटा देना, तो ये हो जाएगा 2NH4NO3 ठीक है। ये किसी ने पिछले क्लास में पूछा था कि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोड कैसे होता है, तो मैंने बोला था कि यार अमोनियम नाइट्रेट का जो एक्सप्लोजन का जो रिएक्शन है वो अलग होता है, उसमें एक्सेसिव ऑक्सीडेशन होता है, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसके 2 मोल्स है, हमें यहाँ पे 2 मोल तो ये मिल रहा है, 4 मोल ये मिल रहा है और 1 मोल ये मिल रहा है, तो 2 मोल से टोटल 7 मोल गैस मिलती है, और ये अनकंट्रोल्ड जो ये होता है ऑक्सीडेशन या डिकम्पोजिशन जो होता है उसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की रिएक्शन ये वाली नहीं है, है ना, ये जो आपने पढ़ी थी अभी यहाँ पे ये वाली, ये मैंने पिछले क्लास में बोला था NH4NO3 का जो एक्सप्लोड करने का जो रिएक्शन है वो ये वाला नहीं लिखा जाता, ये N2O का प्रिपरेशन है एक तरह से, है ना, और यहाँ पे जो एक्सप्लोजन का रिएक्शन है वो ये वाला है, ये वाला रिएक्शन एक्सप्लोजन का है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रह गया था यहाँ पे अमोनियम कंपाउंड के बारे में बताते समय, मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया। ओके, हम लोग वापस आ जाते हैं, अमोनिया के यूजेस हैं, यूजेस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और यूजेस में रेफ्रिजरेटर फ्लूइड की तरह यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वगैरह में यूज होता है, ओके, और रिमूवल ऑफ ग्रीस फ्रॉम NH4OH में डिसॉल्व हो जाता है तो ग्रीस वगैरह को हटाने में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया ऑस्टोल प्रोसेस अभी आप पढ़ने वाले हो, वहाँ पे कैसे लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है, स्विट्जर रिएजेंट कौन था, स्विट्जर रिएजेंट यही वाला कंपाउंड था CuNH3 होल 4-2 पॉजिटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया था नीले रंग का, ब्लू कलर का, इसी को स्विट्जर रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, यही होगा स्विट्जर रिएजेंट, यहाँ पे SO4-2 नेगेटिव आप और लगा दीजिए, है ना, इस तरीके से पूरा स्विट्जर रिएजेंट बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो स्विट्जर रिएजेंट का नाम भी पूछा जा सकता है क्या होता है, तो ये फेमस कंपाउंड है कॉपर का, जो अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है, सब फेमस कंपाउंड, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड प्रिपरेशन की बात हो रही है, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर सब लोग बना लोगे, है ना, तो NH4 NO3 से क्या बनेगा, डिकम्पोज करोगे तो N2 बनेगा, कई बार आ चुका है, ओके। NO बनाने का जो मेथड है वो कॉपर का H3 के साथ करोगे तो NO बनता है, कैसे बनता है ये हम लोग अभी आगे H3 की रिएक्शन जो है ना उसमें डिस्कस कर लेंगे, NO3 के डिस्कशन में ये ले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज, ठीक है। और N2O3 के बारे में भी एक डिस्कशन आया था अपनी क्लास में, N2O इज द मिक्सचर ऑफ NO+ NO2, तभी नीले रंग का लिक्विड होता है, है ना, इस तरीके से भी लिखा ना, ब्लू सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड एंड एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, HNO2 का एनहाइड्राइड होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि N2O3 को जब आप पानी में डिजोल्व करोगे, N2O3 को वाटर में डिजोल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट HNO2, इस तरीके से होगा, ठीक है। और बात करते हैं NO2 की, तो NO2 भी कैसे बनेगा, NO2 या N2O4 कैसे बनेगा, N2O4 जो होता है ये दिख रहा है ना आपको, N2O4 कैसे बना है, N2O4 बना है 2 NO2 के कॉम्बिनेशन से बना है, NO2 के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, NO2 के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है,
और वो क्या करता है, डाइमर बना के क्या चला जाता है, इसमें चला जाता है, डायमेट्रिक कलरलेस में चला जाता है। तो NO2 गैस तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन N2O4 जो होता है वो ब्राउन कलर का नहीं होता है, है ना? ठीक है, N2O4 कलरलेस होता है। ये रिएक्शन जो लिखी हुई है ये मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है। अपनी क्लास में लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन लिखा गया है क्लास में, है ना? हैवी मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज करके क्या बनाते थे, NO2 गैस बनाते थे ना, है ना? उसका डिस्कशन हुआ था। अल्कली मेटल नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ था, हैवी मेटल नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ था, है ना? जिसका जिसका हेडिंग आपकी कॉपी में लिखा है सॉल्ट एनालिसिस में, क्या कि जो है ना, क्या लिखा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट, वहां पे मैंने इसको पढ़ाया था। कॉपर का अगर कंसंट्रेटेड एच ओ थ्री के साथ रिएक्शन कराओगे तो NO2 गैस बनता है। वी विल डिस्कस इस, अभी हम लोग डिस्कस करें, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे दो जगह पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो एच ओ थ्री की रिएक्शन है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आप कर सकते हैं इसके बाद, है ना? N2O5 की अगर हम बात करें तो N2O5 कैसे बनाया जाता है, तो N2O5 में जो HNO3 होता है ना, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो क्या, प्रिपेयर्ड बाई केयरफुली डिहाइड्रेटिंग HNO3 विद P2O5 एट लो टेम्परेचर। तो P2O5 बोले या P4O10 बोले, ये यहाँ पे P4O10 क्या काम कर रहा है, P4O10 जो है ना वो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, मतलब क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब करा रहा है, और वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या बना रहा है, वो N2O5 बना ले रहा है ना? क्यों? क्योंकि N2O5 को जब वाटर में डिजोल्व करोगे, सो N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, ये HNO3 बना लेगा, और HNO3 से पानी निकाल लोगे, HNO3 से अगर H2O हटा दोगे, ये H2O हटा दोगे, तो वो क्या बचेगा, N2O5 बचेगा। तो N2O5 बनाने का ये तरीका है, है ना? N2O5 बनाने का ये तरीका होता है, ठीक है? बाकी इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये आपको खुद ही देखना है। कलरलेस है, डेलिक्विशन सॉलिड है, हाईली रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर में है, और ये HNO3 का क्या है, एनहाइड्राइड है, तो रिएक्शन N2O5 की नहीं होंगी, किसकी होंगी, HNO3 की होंगी। इसीलिए क्या होगा कि जैसा HNO3 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वैसा ही क्या होगा, वैसा ही N2O5 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या कहते हैं, इन गैस फेज डिकम्पोजिशन इनटू NO2, NO एंड O2, ये डिकम्पोज कर जाता है NO2 में, NO में और O2 में डिकम्पोज कर जाएगा गैसियस फेज में, ठीक है? उसके बाद आपकी सीट में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसके बाद सीट में आपको दिया गया N2O, NO, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर्स मेरे ख्याल से सबको पता होगा, N2O वगैरह का सबको, है ना? ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, एक लोन पर आएगा तो डोनेट कर देना, NO को तो आप MO3 से स्ट्रक्चर निकालिएगा, वही सबसे सही रहता है, N2O3, सो N2O3 जो है ना इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N2O3 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनता है। N2O3 में कभी कभी लोग बीच वाला ऑक्सीजन एटम लगा देते हैं, बीच में नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं माना जाता है N2O का स्ट्रक्चर, है ना? सब इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर डोनेट कर देना ऐसे करके, तो N2O3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। NO2 में आपको ये स्ट्रक्चर सही बना हुआ है, NO2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रह जाता है, इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये कलर आता है, पैरामैग्नेटिक होता है, कलर आता है, है ना? दो N2O4 को अगर आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाए, N2O4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस तरीके से बनेगा, यू बन जाएगा। और N2O5 कैसे बनेगा, N2O5 में जो है नाइट्रोजन बीच में आ जाता है, एक ओटम आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से इनके ऑक्साइड वगैरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह के इक्वल के बारे में बात की जाती है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप रेजोनेंस के फिनोमेना से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? ओके, नाउ कुछ डाउट्स ले लेते हैं अभी, है ना? एक दो डाउट्स अपन ले लेंगे, और हाँ चैट ओपन की है, डाउट्स आप लिख दो, कुछ लोगों के हैंड रेज है तो वो कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने देख लिया, आप लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपने किसी ने लिखा है, नोट्स रैंडम बन रहे हैं, ये मैंने देख लिया है, मैंने पढ़ भी लिया है ध्यान से, ठीक है, अब आप मत लिखो इसको। एक मिनट रुकना, हाँ कोटा में हैवी रेन हो रही है। एनओ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं होगा, एनओ का स्ट्रक्चर जो है ना वो एमओटी से आप करो, है ना, है ना, एक्सप्लोजन जो है ना, एक्सप्लोजन NH4NO3 का एक्सप्लोजन सर D2 कैसे रिलीज हुआ, D2 कहाँ रिलीज हुआ है, NH4NO3 का एक्सप्लोजन उसमें कहाँ, D2 मैंने कहाँ लिख, D2 लिख दिया क्या, D2 नहीं बना है, ये तो O2 बना हुआ है, D नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे O लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन बना हुआ है, D2 नहीं बना है, D2 नहीं बना है, ठीक है, एक्सप्लोजन वाला रिएक्शन हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे क्लास लूंगा ना, तो अभी अभी 15 दिन और लगेंगे अभी, है ना, ये सब चीजों को लिखने में। पढ़ा दिया जितना व्हाइट बोर्ड वाला पार्ट था उतना पढ़ा दिया है, एक बार मुझे जल्दी से इसको खत्म करने दो, है ना, ठीक है, पढ़ा दिया जो भी सही था ठीक, इतना इतना वैसा भी नहीं है। गौरव ऋषभ बोलो क्या डाउट है, NO2 में, NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन से कलर, अनपेड जो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलर देते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन हर्ष, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो सर, आपने जो NH4Cl4 का जो हीट का बताया रिएक्शन, हाँ उसमें Cl4 तो Cl4 माइनस में, क्लोरीन तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाँ तो ये तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था, तो ये तो N2O बनाता ना, ये नहीं N2O नहीं बना, N2O नहीं बनाएगा, N2 बनाएगा सर, लेकिन क्योंकि ये काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहीं पे थोड़ा सा केमिस्ट्री में समस्या है ना, यही थोड़ा सा केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है कि हम हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये पता है कि इसमें N2 बन रहा है तो हम N2 को बनने को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, ओके हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, साइंस का मकसद वही है, जो चीज हमें पता है हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो है उसको जानना साइंस कहलाता है, ठीक है, थैंक यू। और बताइए, बोर्ड पर ही पढ़ा रहा था अभी तक, है ना, अभी तक बोर्ड पे ही पढ़ा रहा था, इसकी जरूरत अभी बोर्ड पे नहीं, ये सब फालतू बातें मत करो, है ना, अभी N2O3 का स्ट्रक्चर, N2O3 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, N2O3 के स्ट्रक्चर में इस तरीके से बनता है N2O3 का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो नाइट्रोजन के पहले 3 बॉन्ड बना लो, है ना, इस तरीके से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना लो, तो अब एक एक लोन पेयर बच जाएगा ऐसे, तो ये लोन पेयर जो होगा वो डोनेट हो जाएगा ऐसे, ये N2O3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, है ना, ये N2O3 का स्ट्रक्चर है, और जो N2O4 का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, N2O4 के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन और लगा देना, एक ऑक्सीजन एटम और लगा देना ऐसे करके, ये हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब आप इसके बात करेंगे तो N2O4 में इस तरीके से हो जाएगा, और अगर हम बॉन्ड लेंथ बराबर करने की बात करें तो बॉन्ड लेंथ कैसे बराबर हो जाएंगी, बॉन्ड लेंथ इस तरीके से बराबर हो जाएंगी, ये माइनस और ये प्लस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे करना जानते हो नहीं जानते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से जानते हो, इस तरीके से कर लेते होगे ना, ऐसे माइनस और ऐसे प्लस, है ना, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देना, ये वाला यहाँ भेज देना, ये वाला यहाँ भेज देना, ये वाला यहाँ भेज देना, ऐसे करके चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगी, चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगी, है ना। फिर अगर हम N2O5 की बात करें
N2O5 में क्या होगा, ठीक है, N2O5 में क्या हो जाता है, N2O5 में जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से बनता है N2O5 में, ये लोन पर आता है। इस तरीके से आएगा। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना वो क्या कर लेना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो ये वाली जो, अगर ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ना, अभी मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेड पेन से ये वाला जो बॉन्ड बना रहा हूँ, जो बॉन्ड रेड पेन से बनाए हैं, ठीक है, ये तो इक्वल नहीं होंगे, यहाँ रेजोनेंस नहीं पहुंचेगा, ये जो रेड पेन से बॉन्ड बनाए ये तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो साइड वाले जो बॉन्ड है, जो ब्लैक पेन से बने हुए बॉन्ड्स, वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, है ना, वो इक्वल हो जाते हैं। तो आउट ऑफ सिक्स एनो बॉन्ड जो होते हैं, वो उनमें से फोर जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, है ना, फोर इक्वल हो जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। ओके, तो आप किसी को नोट करना है तो रह गया हो किसी का नोट करने का तो नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, है ना। ये कुछ चीजें नोट करनी है तो नोट कर लो, ये नोट हो गया, एक बार बता दो सब लोग। हम कैसे लिखें इतनी जल्दी, है ना, लिख लिख लो भाई, बैठा तो हूं। नोट हो गया, डन, ठीक है, चलो। हाँ, N2O3 की, N2O3 का स्ट्रक्चर ये मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, देख लो, N2O3 का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या करता है, कुछ लोग ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, है ना, बट ऐसा स्ट्रक्चर माना नहीं जाता, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं माना जाता है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट एट -30°C, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि होगा क्या कि जब लोअर टेम्परेचर पे जाओगे, आपको दिख रहा है ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, इन लोन पेयर में आपस में रिपल्शन है भाई, आपस में रिपल्शन है, तो ये रिपल्शन लोअर टेम्परेचर पे तो एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना, -30°C पे, लेकिन जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे, रूम टेम्परेचर पे आओगे, तो ये रिपल्शन ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा, बीच वाला ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि नहीं यार रिपल्शन को मिनिमाइज करो, और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रक्चर अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लेगा, ये कह रहा हूं मैं, ये N2O3 का है, ठीक है, आईआईटी में, आईआईटी में आई थिंक 2010 आईआईटी है, ये मेरे को श्योर है जहां तक, इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें N2O3 का आंसर लिया था, N2O3 को आंसर में लिया था, मतलब आईआईटी क्या मान रहा था, आईआईटी के लोग N2O3 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड मान रहे थे, वरना अगर ये वाला स्ट्रक्चर लोगे, है ना, जो कि -30°C पे एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा, ओके, तो इसलिए ऐसा होगा, है ना, इस तरीके से रहेगा, क्लियर है, तो यहाँ पे जो है ना, ऐसे जो है ना नोट कर लो, ओके, नोट कर लो, जितना भी है ये नोट कर लो, इतनी देर में तो नोट हो जाना चाहिए था, नोट करो फटाफट।
मैं तो अच्छा सोचा था लेकिन पता नहीं शायद बुरा हो गया है ना, मुझे लगा कि शायद मैं सीट पूरा, मैं जितनी रिएक्शन पढ़ाई थी वो सारी की सारी मैं सीट में पढ़ाने के बाद एक बार आपको अंडरलाइन करा दूंगा कि क्या क्या हो गया है और क्या क्या बच गया वही बता दूंगा। बट फिर भी हाँ, लेकिन क्या सब लोग खुश रह भी नहीं सकते, कुछ लोग को तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी रहेगी है ना। चलो ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो मैंने कोशिश किया आपको पूरा कंटेंट आपको मिल जाए अच्छे से है ना, कोई भी टी जैसा भी ठीक रहे वैसा करो है ना। ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है ठीक है, ये आप बोर्ड पे ले लेंगे, ये अभी लास्ट में स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा। क्या ये मुझे आप बता सकते हो कि आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए गए हैं क्या, क्या आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में कहीं पढ़ाए गए हैं ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर वगैरह, कोई बताएगा मुझे एक बार चैट में, कहीं पढ़ाए गए हैं क्या? नहीं हाँ, कुछ लोग तो यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं, नहीं पढ़ाए गए। चलो ठीक है, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा है ना, ये मैं बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, ये वाली बात बोर्ड की है। चलो मैं ये वाला मैं बोर्ड पे पढ़ा दूंगा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नाइट्रस एसिड की बात है ना। तो नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 होता है, सबको पता है ना। बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका ये आपको दिख रहा है। अब कोई कहेगा आप याद करोगे नहीं सब चीजें तो कैसे होगा। अब देखो ये बेरियम नाइट्राइट है, इट्स अ नाइट्राइट सॉल्ट। अब नाइट्राइट सॉल्ट में आपको याद है जब मैं सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा रहा था तो वहां पे क्या था, नाइट्राइट सॉल्ट कहाँ रखे गए थे, एसिडिफाइड ग्रुप में थे है ना, कौन से में थे, डायलूट में थे। तो दुनिया का कोई भी नाइट्राइट सॉल्ट अगर आप लोगे, कोई भी नाइट्राइट सॉल्ट लोगे उसे आप एसिडिफाइड करोगे, अल्टीमेटली क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। मैंने खुद क्लास में समझाया कि HNO2 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है ना, HNO2 डिकम्पोज करता है या डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। ये रिएक्शन क्लास में हुई है, ये रिएक्शन हुई है क्लास में, देखो ये वाली, इससे क्या बनता था, इसके डिस्प्रोपोर्शनेशन से HNO3 बनता था और NO बनता था। ये जो NO बनता था यही NO क्या हो जाता था, ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता था, NO2 गैस में कन्वर्ट होता था। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखा करते थे कि जो नाइट्राइट सॉल्ट होंगे उनको अगर आप एसिडिफाई करोगे डायल्यूट एसिड से या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से तो क्या होगा, तो ब्राउन कलर की जो है ना गैस जो है ना ठीक है, ब्राउन कलर का गैस जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो लिबरेट हो जाएगा है ना ठीक है, ब्राउन कलर का गैस जो है ना वो लिबरेट हो जाएगा। तो वो चीज मैं बता चुका हूँ ठीक। क्या आपको ये रिएक्शन याद है, कितने लोगों को याद है ये रिएक्शन, KI और HNO2 वाला रिएक्शन, ये भी रिएक्शन क्लास में हुआ है। बताओगे इस टेस्ट का नाम क्या था, थर्ड नंबर जो टेस्ट है उसका नाम क्या था, थर्ड नंबर जो टेस्ट है उसका नाम क्या था, हाँ स्टार चार्टेड टेस्ट था, बिल्कुल है ना स्टार चार्टेड टेस्ट था, ये क्लास में हो चुका है ना। ये वाला याद है आपको, ये वाला लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला याद है, स्टार चार्टेड टेस्ट के बाद एक और कराया था है ना, स्टार चार्टेड टेस्ट के बाद एक और कराया था, कौन सा था, KMNO4 के साथ टाइट्रेशन था है ना, KMNO4 के साथ टाइट्रेशन था। ये बताया था ना कि केवल बाकी सभी जगह पे क्या होता है, बाकी सभी जगह पे गैस लिबरेट होती है, केवल KMNO4 के साथ गैस लिबरेट नहीं होती है। तो KNO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, KNO3 में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, HCl से भी बना सकते हैं, NaNO2 और HCl से भी बना सकते हैं है ना, ये भी बना सकते हैं। तो ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ है ना, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए जस्ट है ना, जस्ट आपको बताना था कि चीजें ऐसे हो रही है ना। अब मेन मकसद है यहाँ पे हमारा इसको नाइट्रिक एसिड को करना है ना। तो ठीक है, नाइट्रिक एसिड को करने पर ठीक है, पढ़ लिया क्रेज तुम्हारा डाउट है ना, चलो कर लेना जो भी तुम्हें। तो नाइट्रिक एसिड जो होगा उसमें HNO3 हो गया है ना। HNO3 में क्या होगा कि इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द ग्लास रिटॉर्ट है ना। तो यहाँ पे वही रिएक्शन हो रही है जो आपने किसमें पढ़ा था सॉल्ट एनालिसिस में, कि अगर नाइट्रेट सॉल्ट होंगे उनको आप क्या करोगे, उनको आप एसिडिफाइड करोगे, नाइट्रेट सॉल्ट को अगर आप एसिडिफाइड करोगे
नाइट्रेट सॉल्ट को अगर आप एसिडिफाइड करोगे तो एसिडिफाइड करने पे क्या बनेगा आपको HNO3 बनेगा, तो वैसे ये बन रहा है ठीक है। और इसके डिकम्पोजिशन से क्या बनता था NO2 गैस बनता था, ये वही रिएक्शन हो रही है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो लैब मेथड प्रिपरेशन था, ये लिखो पढ़ो क्या लिखा है, ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओस्टवाल प्रोसेस, है ना, ओस्टवाल प्रोसेस के से जो है ना लार्ज स्केल पर जो है ना वो बनाया जाता है। तो इस तो इसका प्रोसेस याद रखो कि ओस्टवाल प्रोसेस से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो हम लोग इसमें जो स्टेप वन होता है उसमें क्या करते हैं, है ना, स्टेप वन में क्या करते हैं, स्टेप वन में अमोनिया गैस को ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये प्लेटिनम गॉज होता है, ये कैटलिस्ट होता है ना, ये जाली लगी होती है उसकी प्लेटिनम की, है ना, और उसमें ये कॉन्टेक्ट में आते हैं आपस में, ठीक ठाक प्रेशर रखा जाता है 9 bar 500 केल्विन टेम्परेचर। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन NO में हो जाता है, किसमें हो जाता है, NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में हो जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, लिखो पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दस फॉर्म्ड कंबाइंड विद द ऑक्सीजन गिविंग NO2, है ना, ये NO2 में कन्वर्ट होगा। और ये कई बार हो चुका है क्लास में, NO को मैंने कितनी बार O2 से कंबाइन करके NO2 बनाया है, वही NO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा किसके साथ, H2O के साथ, तो क्या बना लेगा, HNO3 और NO बनाता है। NO को आप दोबारा रिसाइकिल्ड कर दो, ये NO यहाँ पे फिर से भेज देना, इस जगह पे यहाँ पे फिर से भेज देना। इस तरीके से क्या होता है, NO thus formed is recycled and aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass, है ना। तो जो HNO3 मिलता है किससे, ओस्टवाल प्रोसेस से, उसका प्योरिटी कितना आता है, 68% बाई मास होता है ये। फिर हम क्या करते हैं, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 से, फर्दर कंसंट्रेटेड H2SO4 टू 98% कैन बी अचीव्ड बाई डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं, और हमें 98% क्या मिल जाता है, H2SO4 जो है ना वो मिल जाता है ना, 98% H2SO4। तो आपको ये लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, है ना, लैंग्वेज आपको सिंपली तीन रिएक्शन लिखनी है, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन लिख लो सभी लोग कॉपी में पूरा लैंग्वेज, और लास्ट में क्या लिख लो, 68% HNO3 आपको मिलेगा। और इसका क्या करोगे, इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो HNO3 मिलेगा वो 98% HNO3 मिल जाएगा, ऐसा होगा ठीक है। नोट कर लो आप इसे, ठीक है। उसके बाद आता है इसका इसका प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है HNO3 की, तो इनकी रिएक्शंस आप देख लो, HNO3 के जो रिएक्शंस कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे लगभग सभी से जो है ना वो रिएक्ट कर जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड प्लेटिनम वगैरह, इनको हम एक्वा रीजिया में डिजोल्व कराते हैं, 1 part HNO3 3 part HCl। और द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो ऑलमोस्ट जो ये कहते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो रिएक्शन है वो लगभग सभी मेटल से होता है, कुछ को छोड़ दिया जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, इनको हम लोग एक्वा रीजिया में डिजोल्व कराते हैं ठीक है। तो उस तरीके से रहेगा, एक स्पेशल कंपाउंड होता भी दिखा देंगे एक्वा रीजिया वगैरह के बारे में। कहते हैं कि सम मेटल्स क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस, है ना।
एक बात समझ लो यहाँ पे है ना क्या होता है, बेसिकली तीन टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, दूसरा होता है इनर्टनेस, इनर्टनेस, और तीसरा होता है पैसिवनेस। इन तीनों बातों को समझ लो। देखो दो सब्सटेंस को आपने आपस में मिलाया, ए और बी, दो सब्सटेंस को आपने आपस में मिलाया और अब वो आपस में रिएक्ट कर गए, तो हम इसे बोलते हैं कि उनके बीच में रिएक्टिविटी है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनर्टनेस क्या होता है? अगर हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएं और वो आपस में रिएक्ट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, तो हम बोलते हैं कि दे आर इनर्ट टू ईच अदर, है ना, वो आपस में क्या है, इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पैसिव नेचर का। क्या होता है पैसिव नेचर? अब तीसरी बात है, दो सब्सटेंस को हमने आपस में मिलाया, सुनना पैसिव नेचर को, तो उन्होंने उनमें क्या था, उनके उनमें रिएक्शन की पॉसिबिलिटी थी और रिएक्शन हुआ भी, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी थी, रिएक्शन हुआ भी, लेकिन रिएक्शन कुछ देर के बाद बंद हो गया, स्टॉप हो गया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड पैसिव नेचर, वो पैसिव नेचर कहलाता है, पैसिविटी कहलाता है ना। तो क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम है की बात ले लें, तो एल्युमिनियम HNO3 से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है, और Al2O3 की जो ना ऑक्साइड फिल्म होती है, ऑक्साइड फिल्म जो होती है वो खुद एल्युमिनियम मेटल के ऊपर में ही आ जाती है, और उससे फर्दर HNO3 का अटैक जो है ना वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एल्युमिनियम और HNO3 के बीच रिएक्शन तो हुआ लेकिन थोड़ी देर के बाद बंद हो गया, एंड दैट नेचर इज कॉल्ड पैसिव नेचर, सुना, दैट नेचर इज कॉल्ड पैसिव नेचर, ये पैसिव नेचर कहलाता है, ठीक है। तो ये पैसिव नेचर की बात हो रही है। अब हमारे पास जो ये टेबल है ना, इस टेबल पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं अलग अलग रिएक्शन लिखूंगा तो इसमें 3 दिन लग जाएंगे सभी रिएक्शन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना आप इस तरीके से देख लो, कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ, आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से चलते हैं, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है, जहां जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है उस पर आप अपना पहले फोकस करो, जहां जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिखा हुआ है उस पर पहले आप फोकस करो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जहां जहां पे लिखा हुआ है उस पर फोकस करो। तो जहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिखा हुआ है वहां पर जो HNO3 का जो प्रोडक्ट है वो NO2 है, जो HNO3 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो क्या है, वो NO2 गैस है ना। मतलब ये चीज आप एक बार कंफर्म कर दो, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, मैं चैट ओपन कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूं, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है उसका प्रोडक्ट NO2 है, ओके, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है इसका प्रोडक्ट NO2 है, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है ये NO2 लिखा हुआ है, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है यहां NO2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट लिखा हुआ है यहाँ NO2 लिखा हुआ है। कुल मिला के ये है, ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा है कि अगर कभी क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड HNO3 आया, कंसंट्रेटेड HNO3 आया, तो आपका HNO3 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, है ना, ठीक है, वो HNO3 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, है ना, वो क्या होगा, वो NO2 होगा, HNO3 वाला जो प्रोडक्ट होगा वो NO2 हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है मेटल को क्या करेगा, जब कंसंट्रेटेड HNO3 है तो अच्छा खासा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो मेटल को हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर पे ले जाएगा, है ना, जब कंसंट्रेटेड HNO3 है तो अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और मेटल को क्या करेगा, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर पर ले जाएगा, ठीक है, उस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जहां जहां भी कंसंट्रेटेड HNO3 है वहां पर क्या करोगे, वहां पर आप देख रहे हैं जिंक को कहां भेजा गया, +2 से 0 से कहां भेजा गया है, +2 में भेजा गया है, नाइट्रेट बन जाएगा, ये सब जगह वही हो रहा है, +0 से क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पे स्टैनिक एसिड बन रहा है इसका 6+, ये 4 में गया है, हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर तक चला गया, है ना, यहां पर भी क्या हो रहा है NO2 का, ये 0 से कहां जा रहा है, +2 तक चला गया है, इस तरीके से लगभग ये इस तरीके चला जाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे चला, ये देखो +5 तक पहुंचा दिया इसने, एंटीमनी का हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर होता है वहां तक पहुंचा दिया, कॉपर को अभी आपने रिएक्शन, मैंने कहा था मैं आपको पढ़ा दूंगा, स्टार मार्क किया था मैंने अभी,
इससे कुछ देर पहले स्टार मार्क किया था वो यही रिएक्शन थी, है ना, यही रैली थी। कॉपर जीरो से कहाँ जा रहा है, प्लस टू स्टेट तक जा रहा है, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, एम जी और एम एन। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट से जो है ना, और यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग लिखी है, मेटल प्लेस्ड अबव एच इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक वो पढ़ाया गया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको, पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है कि एक ऐसे मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो एसिड से क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। ये वही रिएक्शन हो रहा है। Mg और Mn ठीक ठाक, यानी अगर आप इनके SRP वैल्यू देखोगे तो अच्छे खासे नेगेटिव हैं। तो मोस्ट नेगेटिव जो SRP वैल्यू वाले मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना नाइट्रेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, मेटल्स हैविंग मोर नेगेटिव SRP वैल्यू, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, मेटल्स हैविंग मोर नेगेटिव SRP वैल्यू लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मेटल्स हैविंग मोर नेगेटिव SRP वैल्यू लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, तो यहां पे वही रहेगा। उसके बाद जो वेरी डाइल्यूट वाला पार्ट है, अब आप आ जाओ जिंक और Fe की बात करें, तो जिंक और Fe में जब जाओगे तो जिंक और Fe जो है ना, दे बिकम क्लोज टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बिल्कुल पास आते जा रहे हैं, मतलब लगभग जो है ना लेस नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के पास, मतलब आना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लगभग जीरो के पास आ जाना। जिंक बहुत क्लोज है हाइड्रोजन के, Fe भी काफी -0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आता है, तो वो जो है ना, तो जब ये पास आते जा रहे हैं ना, तो इनका रिड्यूसिंग पावर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो इनको वेरी डाइल्यूट के साथ अगर काम करोगे तो ये NH4NO3 देते हैं, है ना, NH4NO3 देते हैं, और अपना जिंक क्या कर लेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा और ये केवल NH4NO3 जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जब डाइल्यूट कर दोगे ना, तो थोड़ी सी आपने क्या किया है, जब आप थोड़ा सा डाइल्यूट किया आपने किसको, मतलब वेरी डाइल्यूट से डाइल्यूट की तरफ आए, तो आपने HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया है, बढ़ाया है, है ना, HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो HNO3 के जब कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन पावर बढ़ाएगा अपनी, तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप को रिड्यूस भी करेगा। तो डाइल्यूट कंडीशन में इसीलिए क्या होता है, डाइल्यूट कंडीशन में कि अगर हम बात करें तो डाइल्यूट कंडीशन में जो होगा वो कहां तक जाएगा, वो +1 तक चला जाता है, है ना, क्या देता है, नाइट्रस एसिड देता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड आपको ये जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसमें, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं टिन की। तो टिन का बिहेवियर जो है ना, टिन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है HNO3 के साथ। टिन की रिएक्शंस आपको क्या करनी पड़ेगी, टिन का मेरा बस यही सजेशन है आपसे कि आप जो टिन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, ये वाली रिएक्शन, बाकी आपको प्रेडिक्टेबल है। हेलो, इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर सिल्वर और मरकरी के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, वो NO बनेगा, है ना, और बाकी में समस्या नहीं है। देखो मेटल तो अल्टीमेट, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, और जो लेड है बेसिकली मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि जो ऐसे मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नीचे रखे गए हैं,
उनका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, और एसआरपी वैल्यू जब पॉजिटिव होने लगता है तो उनका रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो कम होने लगता है। रिड्यूसिंग पावर उनका अच्छा होता है जो क्या करेंगे, है ना, जो ये क्या करेंगे बोलो, जो ये एक तरह से क्या करेंगे, इनका एसआरपी वैल्यू नेगेटिव होता है, उनका जो होता है रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये केबल क्या करते हैं, एनओ तक ही जाते हैं, है ना, एनओ टू में नहीं जाएगा, एनओ तक ही जाएगा। तो या तो या दो सिचुएशन है देखो, या तो लेड जैसा कम एलिमेंट हो, लेड जैसा एलिमेंट होगा तो हाइड्रोजन के क्या है पास में है, या तो मेटल की रिड्यूसिंग पावर कम हो, या फिर आप मेटल की रिड्यूसिंग पावर कम कर दो, या फिर आप HNO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम कर दो, इन दोनों के केस में NO बनेगा या N2O बनेगा, है ना, या N2O बनेगा। ठीक है, आप उल्टा चलते जाओ, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो NO2 देगा, ठीक है ना, डाइल्यूट हुआ तो क्या देगा, NO देगा, और डाइल्यूट हुआ, और डाइल्यूट हुआ तो क्या देगा, N2O देगा, और वेरी डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, बिल्कुल कोल्ड डाइल्यूट होगा तो अमोनियम नाइट्रेट देगा। इस तरीके से आप हो जाएगा, है ना, इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से आपको काम करना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ NO2, है ना, NO2 मिलेगा, कॉन्सेंट तो NO2 हुआ, डाइल्यूट हुआ, एक पीछे चले जाओ, है ना, पीछे जाओगे तो प्लस NO2 में कौन सी ऑक्सीजन नंबर थी, NO2 में कौन सी ऑक्सीजन नंबर थी, प्लस 4। अगर डाइल्यूट होगा तो NO में चला जाएगा, और डाइल्यूट होगा N2O में चला जाएगा, और डाइल्यूट होगा तो NH4NO3 में चला जाएगा। इस तरीके से आपको ऑर्डर समझ में आना चाहिए, और साथ में इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जो सामने वाला मेटल है वो कैसा है। अगर वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो HNO3 के नाइट्रोजन एटम को प्लस 5 से काफी नीचे भेजेगा, नीचे की तरफ भेजेगा, इसलिए ऐसा होता है ना। वैसे इस तरीके से ये चीजें जो है ना, वो आपको ये सारा चीजें समझ में आनी चाहिए, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। ब्राउनिंग टेस्ट में पढ़ा चुका हूं आपको, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो कुछ भी आपकी सीट में लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है वो सारा पढ़ाया जा चुका है, जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है जिसमें भी चाहे, बस ये ऑक्सी एसिड को छोड़ दिया जाए, ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर में बता दूंगा, ये सारी बातें जो भी जो रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन में करा चुका हूँ, हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से, सब कुछ करा चुका हूँ, है ना, ये सारा कुछ हुआ है क्लास में, ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है, आप इसे पढ़ लीजिए। ये स्ट्रक्चर्स जो ऑक्सी एसिड्स के हैं, क्या ये आपको पढ़ाए गए थे, क्या एक बार मुझे बता दे जल्दी से, तो मैं नेक्स्ट क्लास उसी हिसाब से प्लान करूंगा, है ना। ये स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए गए ऑक्सी एसिड के, यस, सबको ही पढ़ाए गए लगभग, ठीक है, गुड। तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये क्रॉस कर रहा हूँ, ये नहीं होगा आपकी क्लास में, ठीक है। देन बाकी सारे ये फॉस्फेट का हीटिंग इफेक्ट ये क्लास में हुआ, मैं बता चुका हूँ आपको, ये चीजें मैं बता चुका हूँ, है ना, ये रिएक्शन क्लास में हुई है, ये सारी चीजें, फास्फोरस का लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको याद है ये सारी रिएक्शन क्लास में हुई थी, ये सारी, ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब हुआ है, ये सब सारी रिएक्शन मैं करा चुका हूँ क्लास के अंदर, है ना, ये सारा कुछ होगा, ये रिएक्शन हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है, ये सारा कुछ हुआ है। तो ये फास्फोरस वाला खत्म हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली आएगा, ओके, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब मेरे पास जो काम बचा है वो केवल क्या बचा है, केवल इसका बचा हुआ ये नाइट्रोजन फैमिली में, केवल हमें आपको ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर बनाने हैं, है ना। अब मैं एक बार एक्सरसाइज देख लेता हूँ, अगर एक्सरसाइज में नाइट्रोजन फैमिली अलग से डिस्कशन में होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीबो करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना मुझे, एक मिनट उसमें भी देख लेना। तो एक्सरसाइज वन में, वन जो है ना उसमें क्या होगा, एक्सरसाइज वन में जो डिस्कशन है वो ए बी सी का हो जाएगा, डी का भी हो जाएगा, ई का भी कर लोगे, एक आध कोई क्वेश्चन रुक जाए तो दूसरे उसका हो सकता है ऑक्सीजन फैमिली का, वरना ऑलमोस्ट मुझे इसी के दिखाई दे रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के। ई तक करना, ई फॉर एलिफेंट तक करना, ठीक है। और उसके बाद जो सेक्शन टू है, सेक्शन टू में, सेक्शन टू में जो क्वेश्चन आप कर सकते हो लिखो आप, सेक्शन सी से करना, ए और बी छोड़ देना, ए और बी मत करना, सेक्शन सी करना, सेक्शन सी करना, सेक्शन डी कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन सेक्शन डी में ऑक्सीजन फैमिली के भी हैं, लेकिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सेक्शन ई भी कर सकते हैं, बस अब इसके बाद फिर नहीं होगा,
तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्टिव 100% डिस्कस करूंगा, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई 100% डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव देख लेंगे और पढ़ा देंगे आपको, ठीक है? तो ये हो जाएगा। एक्सरसाइज 3 सेपरेट है क्या? हाँ, कल से बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, फुल